सो गाइज अभी उसके बाद हम डिस्ट्रक्टर, ये जो कंसेप्ट है ये पढ़ेंगे, व्हाट इज डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। अब देखिए जैसे कंस्ट्रक्टर के जरिए, कंस्ट्रक्टर के जरिए यूजिंग कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो डाटा ऑब्जेक्ट हमारा होता है ऑब्जेक्ट, इसके लिए हम मेमोरी के अंदर एक मेमोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब एक मेमोरी को रिजर्व करते हैं, यूज करते, क्रिएट करते, इन शॉर्ट हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। सो कंस्ट्रक्टर जनरली यूज टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर मेमोरी, इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर के मेमोरी में ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनाने का काम कंस्ट्रक्टर करता है, रिजर्वेशन करने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में हम वहाँ पर रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ओके एक सेकेंड, ओके सो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर जनरली इसका यूज़ क्या है, वो डाटा मेंबर को इनिशियलाइज तो करता ही है। इनिशियलाइज करता है मतलब क्या करता है, इन शॉर्ट हमारे ऑब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को क्रिएट करता है। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर मेमोरी। सिंपल वर्ड में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू क्रिएट मेमोरी, क्रिएट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को क्रिएट करने का काम ये कंस्ट्रक्टर करता है। सो एज अ प्रोग्रामर जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो ये जो मेमोरी आपके प्रोग्राम ने यूज़ की है, ये मेमोरी को, दिस मेमोरी शुड बी फ्री, ये फ्री हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ यूज़ करने के बाद उसको फ्री करना ज़रूरी है ताकि कोई और पर्टिकुलर पर्सन उसको यूज़ कर सके। तो हमारा प्रोग्राम, हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट्स कंप्यूटर के अंदर जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो वैसी ही रहती है जब तक कि आप कंप्यूटर बंद नहीं करोगे। बट एज अ प्रोग्रामर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके प्रोग्राम ने जितना मेमोरी यूज़ किया है वो सभी का सभी मेमोरी फ्री हो जाना चाहिए। ओके समझ में आ रहा है कंसेप्ट, यस और नो? यस सर। ना तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि मेमोरी तैयार करके देना, बट ये जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर तैयार होती है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, उसको फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्री करने का काम, अब मान लीजिए आप अगर आपको मैनुअली फ्री कैसे करोगे, तो आप अगर भूल गए तो सी प्लस प्लस ने वहाँ पे एक कंसेप्ट आपको दिया है, दैट इज़ अ डिस्ट्रक्टर। अब उसके वर्ड में ही उसका मीनिंग है, जैसे कंस्ट्रक्ट करना मतलब तैयार करना, क्रिएट करना, और डिस्ट्रक्टर का मीनिंग वर्ड में ही मीनिंग है, डिस्ट्रक्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना। तो डिस्ट्रक्टर बेसिकली यूज, ये भी एक स्पेशल फंक्शन ही है। सो डिस्ट्रक्टर आल्सो स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, मतलब ये भी उस क्लास का एक स्पेशल है, इसका भी नेम सेम रहेगा, स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय ऑल द ऑब्जेक्ट्स which is used to destroy all the objects created by constructor। constructor के जरिए जितने object आपने बनाए हैं उन सबको free करने का काम इसका है, उन सबको destroy करने का काम destructor का है। so basically destructor उसी चीज़ के लिए जाना जाता है, to destroy all the objects created by constructor। computer memory से सभी object को delete करना, सभी object को destroy करना, ये destructor का काम है। अब डिस्ट्रक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वैसे ही डिस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी है द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर अल्सो सेम एज क्लास नेम। अब इसका भी नेम सेम है, उसका भी नेम सेम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि विच वन इज अ कंस्ट्रक्टर एंड विच वन इज अ डिस्ट्रक्टर? तो वहाँ पे है द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर ऑल्सो सेम एज क्लास नेम, बट इट इज प्रीसीडेड बाय टिल्डे साइन। अभी टिल्डे साइन कैसा होता है, लाइक दिस, ये साइन जो दिख रहे हो आप, ये साइन आपको उसके नाम के पहले ऐड कर देना है। अगर ये साइन आपने उसके नाम के पहले ऐड किया, देन कंपाइलर डिफ्रेंशिएट द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, जिसके सामने ये साइन आ जाएगा वो आपका डिस्ट्रक्टर। इट इज प्रेसिडेड बाय टिल्डे साइन, ये साइन, ये पहला प्रॉपर्टी है। भले इसका नाम सेम है, कंस्ट्रक्टर के जैसा ही है, क्लास के जैसा ही, बट इट इज प्रेसिडेड बाय टिल्डे साइन। अब दूसरा रूल है,
डिस्ट्रक्टर ऑल्सो डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, डिस्ट्रक्टर ऑल्सो डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, ये भी उसका काम नहीं है, डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, ओके। तीसरा भी रूल वही है, डिस्ट्रक्टर ऑल्सो डिक्लेयर्ड इन अ पब्लिक सेक्शन, डिस्ट्रक्टर ऑलवेज डिक्लेयर इन अ पब्लिक स्पेसिफायर, क्या पब्लिक सेक्शन, तीनों रूल है। और चौथा भी रूल है कि डिस्ट्रक्टर को भी आपको मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रक्टर ऑल्सो इन्वोक यानी एग्जीक्यूट, इन्वोक यानी एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, इसको भी ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है, बट अब दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। ऑटोमेटिकली व्हेन व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे अपन ऑब्जेक्ट्स क्योंकि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास इज गोइंग टू एंड, गोइंग टू एंड, जब कंस्ट्रक्टर को लगता है कि अभी यह ऑब्जेक्ट का काम प्रोग्राम में ख़त्म हो गया, तभी डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, हमें अपने को उसको मैनुअली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका काम ख़त्म हुआ, इमिजिएटली वो वेटर आके आपके टेबल को, जैसे हम अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में एक टेबल पे आप लोग बैठे, वो आपके लिए ऑक्यूपाई हो गया, फिर आपका काम ख़त्म करके आप जाते हो तो इमिजिएटली वो वेटर आके वो टेबल को साफ़ करता है ताकि वो टेबल दूसरे लोग यूज़ कर सके। सेम कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्टर ने जो मेमोरी यूज़ किया है ऑब्जेक्ट के लिए, जब वो ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम के अंदर, तब जाके डिस्ट्रक्टर वहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, और जितने भी ऑब्जेक्ट ने मेमोरी अपने लिए ऑक्यूपाई करके रखी थी उस सबके मेमोरी को डिस्ट्रक्टर फ्री कर देता है। समझ में आया कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आया क्या? ओके यस सर। हाँ, ये डिस्ट्रक्टर के बारे में, ये डेफिनेशन है डिस्ट्रक्टर का और ये उसकी प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ थोड़ा सा नाम में टिल्डे साइन एक्स्ट्रा ऐड करनी है और उसका एग्जीक्यूशन टाइमिंग अलग है। माइक बंद कर दीजिए किसी का, चल रहा है, ओके। सो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू ऐड अ डिस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम के अंदर अभी मुझे डिस्ट्रक्टर ऐड करना है, वो क्लास के अंदर ही आपको ऐड करना है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डिस्ट्रक्टर हियर। तो डिस्ट्रक्टर राइट करने के पहले सबसे पहले आपको साइन ऐड करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको नाम लिखना पड़ता है, ओके, लाइक दिस। ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर में जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये डिस्ट्रक्टर हो गया, सिर्फ डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर्ड, ये सिर्फ बताने के लिए कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं हुआ, बस सिंपल इतना आपको लिखना है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सी दिस। अभी यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट थे हमारे, चार ऑब्जेक्ट थे। तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका डेटा डिस्प्ले हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका डेटा डिस्प्ले हुआ, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसका डेटा वहाँ पे आया, चौथा क्रिएट हुआ उसका डेटा आया, और फिर चारों बार जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे चार बार आपका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब जब ये ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया बराबर चारों टाइम आपका डिस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल हुआ, इसलिए आपको फोर टाइम्स मैसेज मिल रहा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर्ड, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर, मतलब हाउ मेनी टाइम्स डिस्ट्रक्टर हैव कॉल्ड, फोर टाइम्स, बिकॉज देर आर फोर ऑब्जेक्ट। तो हर एक ऑब्जेक्ट की वो मेमोरी सेपरेटली क्लियर करता है, ओके। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टर। अब गाइस डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट समझ में आया आपको, डिस्ट्रक्टर हम क्यों यूज़ करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमने मेमोरी में यूज़ किया उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक बात अभी मैं बोलता हूँ आपको, डिस्ट्रक्टर के कोई टाइप्स है नहीं, एक ही डिस्ट्रक्टर यूज होता है एक क्लास के अंदर, है ना। जैसे कंस्ट्रक्टर हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, डिफॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटराइज यूज़ कर सकते हैं, कॉपी यूज़ कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्या, कि हम एक ही प्रोग्राम में अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिख रहे तो ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसको क्या कहेंगे हम, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब हम एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर लिख रहे, इट इज़ अलाउड। बट डिस्ट्रक्टर एक ही होगा, एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, ओके। तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकली, मैंने बता दिया आपको कि कैसे डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला नेम का डिफरेंस जानते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसे होता है, डिस्ट्रक्टर का भी नेम वैसे ही होता है, बट इट इज़ प्रीसीडेड बाय टिल्डे साइन। ये दोनों में डिफरेंस है, जिसके आगे टिल्डे ऑपरेटर आया वो डिस्ट्रक्टर है,
दूसरा डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर को कभी कभी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होता है, बट डिस्ट्रक्टर नेवर टेक एनी आर्गूमेंट, कभी डिस्ट्रक्टर को आर्गूमेंट पास करना नहीं है, डिस्ट्रक्टर हमेशा डिफॉल्ट रहेगा। तीसरी कंसेप्ट है अ क्लास कंटेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, इट इज अलाउड, हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, ओके, बट अ क्लास कैन कंटेन ओनली वन डिस्ट्रक्टर, लेकिन डिस्ट्रक्टर उस क्लास में एक ही होगा, एक क्लास एक डिस्ट्रक्टर, लाइक दिस, मल्टीपल डिस्ट्रक्टर हम नहीं लिखेंगे। और उसी सेंटेंस को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पुट करते, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल, इट मीन्स वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास, बट डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स वी कैनॉट राइट मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास, एक ही डिस्ट्रक्टर वहाँ पे आपको लिखना है। और सबसे आखिरी डिफरेंस दोनों के कॉलिंग के टाइमिंग का, ये कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर, है ना, कंस्ट्रक्टर इज इनवोक ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास क्रिएटेड, बट डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ये सबका काम खत्म हो जाता है ऑब्जेक्ट का, और जब वो एंड होने जाते हैं ना, तभी इमीडिएटली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। सो डिस्ट्रक्टर इज इनवोक ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज गोइंग टू एंड। सो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो गाइज, आई होप आपको कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ये दोनों कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे।